अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। लिखा इसमें, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, ठीक ना, प्रथम एन पदों का योग दिया है, क्या दिया है, 4n-n² ठीक ना, 4n-n² तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, दसवें और यनवे पद ज्ञात करने हैं। तो एक एक करके ज्ञात करते हैं हम लोग। देखिए पहले प्रथम पद मतलब S1 ज्ञात करना है हमको, तो यन का मान एक रख लेते हैं यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ यन है वहाँ 1 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4×1-1² तो 4 × 1=4 और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 4 में से 1 गया 3। इस प्रकार S1 मतलब प्रथम पद आ गया S1, ठीक ना। फिर इसके बाद बोला है प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करने के लिए S2 ज्ञात करना है, तो S2 लिख ज्ञात कर लेते हैं। तो S2 जहाँ जहाँ इसमें n का मान है वहाँ 2 रख लेते हैं, तो 4×2-2² तो ये हो गया 4×2=8-2² इसका मतलब 8 में 4 गया तो 4, तो ये हो गया S2, प्रथम दो पदों का योग 4 आ गया। फिर क्या ज्ञात करना है, दूसरा पद क्या है, तो देखिए दूसरा पद A2 है ना, ये दूसरा पद होता है, तो दूसरा पद ज्ञात होता है प्रथम दो पदों के योग में से पहले पद को हटा देंगे तो दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए S2 कितना है 4-S1 कितना है 3, इस प्रकार 4 में से 3 गया 1 मतलब दूसरा पद 1 था इसमें। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करना है, तो देखिए तीसरा पद A3 बराबर क्या हो जाएगा, S3-S2, ठीक ना। दूसरे पद को ज्ञात करने के लिए दूसरे दो पदों के योग में से पहले पद को माइनस किया, तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए प्रथम तीन पदों के योग में से प्रथम दो पदों का योग घटा देंगे, तो देखिए इसमें तीसरा पद S3 निकाल लेंगे, तो इसी सूत्र रखा है, इसमें जहां जहां n है वहां 3 रख देंगे, तो ये लिखिए 4×3-3² तो ये हो गया S3 आ गया, इसका मान हो गया। और S2 का मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए हमने S2 का मान यहाँ ज्ञात किया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 4, ठीक ना। तो हो गया 4×3=12-3⋅9 -4, तो ये हो गया 12 में 9 गया, तो ये हो गया 3-4, तो 3 में से 4 गया -1, तो इस प्रकार तीसरा पद ज्ञात हो गया। इसके बाद क्या ज्ञात करना है, दसवां और यनवा पद ज्ञात करना है, तो लिखते हैं A10, ठीक ना। तो A10 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, S10-S9, ठीक ना। तो जहाँ जहाँ यन का मान है वहाँ 10 रख लेते हैं, तो लिखेंगे 4×10-10² माइनस, फिर 9 रख के देखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे 4×9-9² तो हो गया 40-100 -9×36 9×9=81, तो 40-100 तो ये हो गया -60 और माइनस, और 81 में 36 घटा लेंगे, तो देखिए क्या आता है 81-36 तो ये हो गया 45, ये हो गया -45, तो इसको हल कर लेते हैं -60+45, तो इसको करेंगे तो माइनस में 45, 50, 60 तो 15 आ गया, ठीक ना। तो ये दसवां पद भी ज्ञात हो गया। अब यनवा पद ज्ञात करते हैं, तो देखिए n बराबर Sn-Sn-1, ठीक ना। देखिए जैसे अगर दसवां पद ज्ञात कर रहे थे तो 10 में से 10 और 1 कम मतलब 9 घटा रहे थे, इसी प्रकार 3 और 2 मतलब 1 कम पद वाला लिखते थे, तो यहाँ अगर n पद ज्ञात करना है तो Sn और Sn-1 1 कम वाला पद लिखेंगे, तो Sn का ये देखिए पूरा सूत्र ही लिखा हुआ है, तो इसको लिख देते हैं 4n-n² और
अब देखिए n माइनस वन है, इस फॉर्मूले में जहाँ भी n है वहाँ n माइनस वन रख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया n माइनस वन, ठीक ना, इस n के स्थान पर n माइनस वन रख लिया, अब इसके स्थान पर भी रख लेते हैं, तो ये होगा n माइनस वन का स्क्वायर। तो अब इसको हल कर लेते हैं, 4n माइनस एन स्क्वायर, और ये इसका देखिए कोष्ट गुणा कर लेंगे तो जाएगा 4n माइनस चार एकम चार, और इसका x माइनस वाई के फॉर्मूले से खोल लेंगे तो देखिए क्या सूत्र होता है उसका। देखिए यहाँ लिख देते हैं, x माइनस वाई के घात दो का सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, इस पर रख के ओपन करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा n का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, ठीक ना, y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस दो गुड़े एन गुड़े एक, ठीक ना, टू एक्स वाई है। अब लिखते हैं 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, ये हो गया 4n माइनस फोर माइनस, देखिए इसको हल कर लेते हैं एक बार, n का n स्क्वायर ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा, माइनस ये हो गया 2n। अब कोष्टक खोल लेते हैं, देखिए 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस फोर, इस कोष्टक के पहले माइनस है तो सब चिन्ह बदल जाएगा खुलेगा तो ये हो गया माइनस एन स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस वन, और ये माइनस है तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर। देखिए इसमें कुछ अगर हल होता तो हल कर देंगे इसको, माइनस ये एन स्क्वायर, ये 4n, देखिए 4n और 2n, तो ये हो गया 6n, ठीक ना, और ये माइनस 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 5, और ये एन स्क्वायर, ठीक ना। अब ये कोष्टक खोलेंगे तो पहले माइनस है तो सब चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कट गया, ये आया देखिए 5, और 4n में से 6n गया तो माइनस 2n, तो इस प्रकार nवां पद ये ज्ञात हो गया, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 11, अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, लिखा ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो देखिए 6 से लिखेंगे प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हैं। देखिए कौन कौन सा होता है, तो अगर 6 से पूर्णांक है तो लिखेंगे 6 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, इस प्रकार ये चलता रहेगा, ठीक ना। ये कुल कितने हो जाएंगे, ये 40 पद होंगे, ठीक ना, 40 धन पूर्णांक बोला है। तो इसका देखते हैं प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद a बराबर 6 और सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1, तो ये रहा a1, ये रहा a2, ये रहा a3, a4, इस प्रकार जा रहा है, तो हो गया 12 माइनस 6 बराबर 6, और n का मान कितना दिया हुआ है 40, ठीक ना, प्रथम 40 धन पूर्णांक है तो पदों की संख्या 40 हो गई। अब लिखते हैं एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, तो ये 40 रख लेते हैं n का मान, n तो ये हो गया 40 बटे 2 2 गुणे a का मान कितना है 6 प्लस 40 माइनस 1 और d का मान 6, तो 2 × 2 2 × 4, तो हो गया 20, ये हो गया 6 × 12, 40 में 1 गया 39 गुणे 6 20, ये हो गया 12 प्लस, इसका गुणा कर लेते हैं 6 × 9 = 54, 6 × 3 = 18, 19 20 21 22 23, तो हो गया 234। तो जोड़ लेते हैं इनका 4 × 2 = 6 3 × 1 = 4 और ये 2, गुणा कर लेते हैं 20 का, तो 20 का गुणा करेंगे तो 0, 6 × 12
चार दुनी आठ एक नौ और दो दुनी चार। इस प्रकार प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य होगा 49, 20 उत्तर हो गया। अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज। तो देखिए क्या हो गया, 8 के तो 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, इस प्रकार ये श्रृंखला चलती रहेगी और लिखेंगे 15 पदों तक, ठीक ना, ये 15 पदों तक है, 15 बोला है ना, तो 15 पदों तक इस तरह लिखेंगे। तो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद ए बराबर 8 सार व अंतर, डी बराबर 16 माइनस 8, तो ये हो गया 8, और पदों की संख्या 15 दे रखा है तो n बराबर 15 हो गया। योगफल का सूत्र लिख लेते हैं, एस एन बराबर एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो इस कितने चाहिए 15, तो यहाँ लिखते हैं यस 15 बराबर 15 बटे दो, दो गुणे ए का मान 8 प्लस 15 माइनस 1 और डी का मान 8 है ये, ठीक ना, 15 का 2 से नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, 15 बटे 2, 8 दूनी 16, 15 में 1 गया 14 गुणे 8, 15 बटे 2 और ये 16 प्लस 14 अट्ठे, ठीक ना, 112, ये हो गया 15 बटे 2, जोड़ लेंगे इनको 6 6 2 8, 1 1 2 और 1 1, 128, 2 1 2, 2 6 12, 2 4 8। अब 15 गुणा 64 में कर लेंगे तो 15 दुनी 30 तें 45, 4 6 60 हासिल 6। अब 15 15 5 75, 15 6 90, 90 में 6 जोड़ेंगे तो 96 आ गया। इस प्रकार प्रथम 15 8 के प्रथम, अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना आया, 960 आया, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14 लिखा है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं क्या क्या हैं, पहले देख लेते हैं, इसको लिखेंगे विषम संख्याएं, तो यहां आएगा 1 3 5 7 और 50 के पहले 49 हो गया, ठीक ना, तो ये हो गया एक एपी प्राप्त हो गई। इसमें प्रथम पद क्या है उसको देखते हैं, लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर 1 और सार्वंतर डी बराबर ए टू माइनस ए वन, तेरा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, इसी प्रकार ए टू माइनस ए वन लिखेंगे तो हो जाएगा 3 में से 1 गया तो ये 2 प्राप्त हो गया। ये देखिए ये अंतिम पद है, इसी को एनवा पद बोलते हैं, ए एन बराबर 49 दिया हुआ है, तो इसमें ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 49। देखिए हमको इसमें पदों की संख्या नहीं मालूम, ये कितने पद हैं उसी को पदों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तब हम एस एन का सूत्र लगाएंगे, तो ए क्या है 1 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है 2 बराबर 49। एक को पक्षांतर कर लेते हैं, एन माइनस वन गुणे 2 बराबर 49 माइनस 1, एक पक्षांतर कर दिया तो ये लिखेंगे एन माइनस वन बराबर 49 में 1 गया 48 और ये 2 गुणे में है तो ये भाग में चला गया, एन माइनस वन बराबर 2 एक कम 2
दो दूनी चार, दो चौके आठ, ये 24 आया। तो n बराबर 24 प्लस 1, माइनस 1 को पक्षांतर कर दिए तो प्लस 1, तो n बराबर 25 आ गया। ठीक ना, मतलब इसमें कुल 25 पद हैं। तो हम इनका योगफल ज्ञात करते हैं। तो योगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये वाला सूत्र लगा लेंगे, या देखिए अंतिम पद दिया है तो हम ये वाला भी सूत्र लगा सकते हैं, Sn बराबर n बटे 2 और a प्लस l, चाहिए लगाइए चाहिए लगाइए, दोनों पर आंसर आ जाएगा। तो इसको देखिए इसी पर लगा लेते हैं। देखिए पदों की संख्या कितनी है, 25, तो 25 बटे 2 हो गया, प्रथम पद कितना है 1 और अंतिम पद कितना है 49, तो ये हो गया 25 बटे 2, 49 एक 50, 2 के पढ़ा से कट गया तो ये आ गया 25, और 25 का 25 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 625, तो ये हो गया Sn। ठीक ना, यस 25 ज्ञात हो गया। तो प्रथम मतलब कुल पद हैं 25, तो 25 का योगफल 625। तो शून्य और 50 के बीच की विषम संख्या का योग कितना आया, 625। तो प्रश्न नंबर 14 हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 15 में दिखा हुआ है, निर्माण कार्य में संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब समय के अंदर काम हो गया तो ठीक है, मगर अगर उसके बाद अगर समय लेट होता है तो उसका फाइन लगता है। ठीक ना, विलंब शुल्क लगेगा। तो क्या लगेगा, पहले दिन अगर लेट होता है, एक दिन अगर लेट होता है तो 200 रुपया लगेगा, फिर दूसरे दिन के लिए 250 लगेगा, फिर तीसरे दिन के लिए 300, इसी प्रकार ये चलता रहेगा। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक ना, तो 30 दिन का विलंब करने के बाद कितना रुपया फाइन है वो देखना है। लिखेंगे, माना एक दिन का जुर्माना, एक दिन विलंब का जुर्माना लिख लेते हैं, विलंब का जुर्माना कितना हो गया, ये 200 रुपया है। ठीक ना, और लिखते हैं दूसरे दिन का, दूसरे दिन का जुर्माना, दूसरे दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा, 200 प्लस 50 रुपया और बढ़ गया, तो हो गया 250 रुपया हो गया। ठीक ना, 250 रुपया दिया हुआ है। फिर तीसरे दिन का जुर्माना, तीसरे दिन का जुर्माना देखिए कितना जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार देखिए एक श्रृंखला मिलेगी या एक एपी प्राप्त जाएगी। देखिए 200, 250, 300 और ये श्रृंखला जाएगी, कितना दिन हो गया, 30 दिन तक। लिखेंगे ये 30 पदों तक ऐसे चलता रहेगा। ठीक ना, तो इन्हीं का योग ज्ञात कर लेंगे 30 दिन में कितना जुर्माना दिया जाएगा। तो इसमें लिखेंगे प्रथम पद कितना है, प्रथम पद a बराबर 200 और सार्वंतर कितना है, d बराबर 250 माइनस 200, तो ये हो गया 50। और पदों n का मान 30 दिया हुआ है। ठीक ना, तो हम ज्ञात कर लेंगे, Sn का सूत्र लिख लेते हैं पहले, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो 30 है तो यस 30 लिख लेते हैं, 30 बटे 2, 2 गुणे a का मान 200 है, प्लस ये हो गया 30 माइनस 1 और d सार्वंतर 50 का है, ये कटेगा तो काटेंगे इसको, 15 बार में कट गया, और ये 200 गुणे 2 बराबर 400 और 30 में से एक गया 29 गुणे 50, तो ये हो गया 15, ये 400 प्लस इसमें गुणा कर लेंगे, 5 नवा 45, 5 दुनी 10,
ठीक है, तो 1450 इसको जोड़ लेते हैं, 15 गुड़े इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, तो ये हो गया 50, 4 4 8 और 1, तो इसको गुणा कर लेंगे तो 15 5 75 हासिल 7, 15 8 120 तो जोड़ेंगे तो 127, तो ये 7 हासिल 12, अब 12 15 27 ठीक ना, तो 15 एकम 15, 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27, तो इस प्रकार ये कुल 27,750 रुपये का जुर्माना देगा। अतः 30 दिन का जुर्माना, 30 दिन का विलंब का जुर्माना कितना हो गया, जुर्माना देखिए लिखा है 27,750 रुपये, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, देखिए कुल 7 पुरस्कार बांटने हैं और कुल 700 रुपये ही हैं, ठीक ना, तो 700 रुपये में 7 पुरस्कार इस प्रकार बांटना है कि हर जैसे फर्स्ट प्राइज है तो उसको सेकेंड प्राइज वाले को इससे 20 रुपया कम मिलेगा, ठीक ना। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। माना प्रथम पुरस्कार कितना हो गया, 100 रुपया मान लिया, 100 रुपया, तो द्वितीय पुरस्कार कितना हो जाएगा, तो द्वितीय पुरस्कार इसमें से 20 रुपया कम हो जाएगा, ठीक ना, तो दूसरे जो दूसरा पुरस्कार प्राप्त करेगा उसको पहले वाले से 20 रुपया कम प्राप्त करेगा, ठीक ना। इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार भी ऐसे ही होगा, तीसरा पुरस्कार कितना हो गया, इसमें भी x माइनस 20 फिर माइनस 20 कर देंगे इसको भी, तो ये हो जाएगा x माइनस 40, ठीक ना। तो इसी प्रकार सातों पुरस्कार लिखा जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं, देखिए इसको अगर जोड़ेंगे, देखिए x और ये हो गया x माइनस 20, x माइनस 40, ठीक ना, x माइनस 60 हो जाएगा इसी प्रकार, ये इसी प्रकार जाएगा, तो लिखेंगे 7 पदों तक, ठीक ना। इसी प्रकार ये 7 पुरस्कार बटेंगे और सबको जोड़ेंगे तो 700 रुपये आ जाएगा, ठीक ना, 700 रुपये आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं इसमें, देखिए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद a बराबर x और सार्वंतर d बराबर x माइनस 20 है ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस x, तो x x कट जाएगा तो माइनस 20 बचेगा, ठीक ना, तो सार्वंतर हो गया। अब कुल n बराबर कितना है, 7, और कुल योगफल कितना दिया है, 700 रुपया, तो लिखेंगे s7 बराबर 700, ठीक ना। अब sn वाला फॉर्मूला रख लेंगे, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d बराबर 700, तो n का मान कितना है, 7 बटे 2 2 a का मान x प्लस 7 माइनस 1 और सार्वंतर कितने का है, माइनस 20 का बराबर 700। इसको हल कर लेते हैं, ठीक ना, तो 7 बटे 2 को उधर ही पक्षांतर कर लेते हैं, तो जाएगा 2x प्लस 7 में से 1 गया 6 गुणे माइनस 20 बराबर 700, और जब ये 7 बटे 2 को पक्षांतर करेंगे तो जाएगा 2/7, तो ये हो गया 2x और इसका गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस 120 और ये हो गया 7 एकम 7 दहम, तो ये हो गया 200, तो 2x बराबर 200 प्लस 120
तो यक्स का मान आ जाएगा अभी, तो ये जाएगा 320, तो इससे यक्स का मान, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 320 बटे ये दो, तो इसको काटेंगे, दो एक कम दो, दो छक्के 12, तो ये हो गया 160। इसका मतलब पहला पुरस्कार कितना था, अतः सात पुरस्कार, देखिए सात पुरस्कार कितने रहेंगे, देखिए ये हो गया 160, फिर इसमें से 20 घटा देंगे तो ये हो गया 140, फिर 20 घटा देंगे तो 120, फिर घटा देंगे तो 100, फिर 80, फिर 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, तो ये सातों पुरस्कार इतने रुपए के हो जाएंगे, ठीक ना, ये रुपए में है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 16 हो गया। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, इसमें लिखा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा तीन का एक अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं, है ना, तीन सेक्शन हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ठीक ना। तो इसमें देखिए जैसे लिखा है, मान लिया क्लास वन ये रहा, ठीक ना, ये रहा क्लास वन, ये क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, ठीक ना, इस प्रकार ये क्लास 12 तक हो गया, ठीक। और इसमें बोलता है कि तीन सेक्शन है, तो लिखेंगे मान लिया ए बी सी, तीन तीन सेक्शन है सब में, ए बी सी, इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा, तीन तीन सेक्शन है तो ए बी सी, और एक इसका ले लेते हैं ए बी और सी, ठीक ना। तो 12th क्लास में भी यही है, ए है, बी है और सी, मतलब तीन सेक्शन हैं, ठीक ना, प्रत्येक क्लास के तीन तीन सेक्शन हैं। और बोला जा रहा है कि जो सेक्शन जिस क्लास का है वो उतने ही पौधे लगाएंगे, जैसे ए क्लास वन का ए सेक्शन है तो ये वन एक पौधा लगाएगा, फिर बी वाला सेक्शन भी वन का है तो वन पौधा लगाएगा, और सी वाला भी एक पौधा लगाएगा। इस प्रकार क्लास वन से कुल तीन पौधे लगाए जाएंगे, ठीक ना। फिर अगर क्लास टू की बात करें तो ये सेक्शन तीनों सेक्शन दो 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 पौधे लगाएंगे, तो ये 2+2+2 मतलब कुल 8 पौधे लग गए, ठीक ना। इसी प्रकार थ्री वाले में हो जाएगा, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 3+3+3, है ना, तीन सेक्शन है और तीनों सेक्शन क्लास थ्री के हैं, तो तीन तीन पौधे लगाएंगे, तो तीन के तीन, तीन छः, तीन त्रिकाई 9, तो ये 9 पौधे लग गए। इसी प्रकार ये 4 क्लास के हैं, तो 4+4+4 तो 4 तियाई 12, तो कुल 12 पौधे ये लगाएंगे। इसी प्रकार ये क्लास 12 में कितने हैं, 12 पौधे, तो कुल 12 तियाई 36, तो कुल 36 पौधे क्लास 12 के विद्यार्थी के द्वारा लगाए जाएंगे। तो अब देखिए ये एक एपी आ गई, ठीक ना, एपी में, तो इस एपी का प्रथम पद देखते हैं। प्रथम पद ए बराबर 3 और सार्व अंतर बराबर डी बराबर 8-3 मतलब 5 आया, सॉरी ये ना 2, 2, 4, 2, 6 है ये, ठीक ना, तो 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक ना, गलती हो गया था, तो हो गया 3, तो इस प्रकार ये 3 आ गया, ठीक ना, पहला पद भी आ गया, इसमें 6 में से 3 घटाया तो 3 आ गया, अगर आगे भी देखेंगे 9 में 6 गया तो 3 आया, 12 में 9 गया तो 3, मतलब सार्वंतर सही है, तो ये 3 आ गया, ठीक ना। तो ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया सार्वंतर। अब इस प्रकार कुल n पद कितने हैं, ये कुल 12 क्लास की बात है, तो n बराबर
12। अब एसएन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये होता है एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो हो जाएगा एसएन, एन मतलब 12, ठीक ना। तो 12 बटे दो, दो गुणे ए का मान 3 है और ये 12 माइनस एक गुणे डी का मान कितना है 3, तो ये हो गया 2 एकम 2 छक्के 12, तो ये हो गया 6 और 3 दूनी 6 प्लस 12 में 1 गया 11 गुणे 3, तो ये हो गया 6 और 6 और ये 33 बराबर 6 गुणे और ये 33 में 6 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा, ठीक ना। और गुणा कर लेते हैं तो 6 नवा 54 और 6 3 18, तो हो गया 23, ठीक ना। तो कुल 234 पौधे कुल सभी विद्या इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों के द्वारा कुल 234 पौधे लगाए जाएंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे अतः स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234 है, ठीक ना। तो ये प्रश्न नंबर 17 हो गया। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 में लिखा है केंद्र ए से एक फिगर दिया हुआ है इसमें, देखिए लिखा है एक केंद्र ए रहा और एक केंद्र बी रहा। तो देखिए इस प्रकार के एक फोटो दिया हुआ है, इसमें ये L1, ये L2, ये L3, ठीक ना, और ये L4 दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दिया गया है। 13 क्रमागत धन अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, ठीक ना। तो इसमें कुल लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए पहले केंद्र ए को मानकर ये अर्धवृत्त बनाया गया है, फिर केंद्र बी को मानकर ये देखिए अर्धवृत्त बना हुआ है, इसको L2 लिया गया है, फिर यहाँ ये देखिए ये अर्धवृत्त बना है, ठीक ना, फिर ये अर्धवृत्त बना है, ठीक ना। बी को केंद्र मान के मतलब क्रम से लिया गया, पहले ए को केंद्र मान के बनाया गया है, फिर बी को केंद्र मानकर फिर ए को फिर बी को, इसी प्रकार ये सर्पिल बनाया गया है और कुल 13 अर्धवृत्त बनाए गए हैं। तो बोला है कुल 13 अर्धवृत्तों में इनकी कुल लंबाई ज्ञात कीजिए कितनी है। तो देखिए ज्ञात करते हैं वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो लिखेंगे वृत्त की अर्ध परिधि, तो देखिए परिधि होती है 2πr, तो अर्धवृत्त की परिधि अर्ध परिधि कितनी हो जाएगी 2πr बटे 2, आधा कर देंगे इसका तो हो जाएगा πr, ठीक ना। पहले n1 ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे l1 बराबर तो जगह πr1, तो यहाँ मान रख देंगे πr1 कितना दिया हुआ है, पहले 0.5 दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये 0.5 हो गया, तो ये हो गया 0.5π। फिर दूसरे अर्धवृत्त की परिधि देखते हैं, L2 बराबर πr2, तो जाएगा पाई, तो जाएगा r2 कितना है 1.0, तो जाएगा 1.0π। फिर L3 कितना है, लिखेंगे πr3, तो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 1.5, तो हो जाएगा 1.5π। और L4 हो गया πr4,
फोर बराबर पाई ये हो जाएगा 2.0, तो जाएगा 2.0 पाई, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हुआ, देखिए ये हो गया L1, L2, L3, L4, ठीक ना, इस प्रकार 13 पदों तक, ठीक ना, 13 पदों तक करेंगे। तो मान देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, 2.0 पाई, ऐसे। तो इसमें प्रथम पद कितना है, a बराबर 0.5 पाई, और सार्वंतर d बराबर 1.0 पाई में से 0.5 पाई हटा देंगे, तो एक में से आधा हटेगा तो 0.5 पाई आ गया। और फिर 13 पदों तक योग ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d, तो लिखेंगे यस 13 बराबर 13 बटे 2 2 गुणे ये कितना है 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 और d कितना है 0.5 पाई, तो हो गया 13 बटे 2 और इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 तो मतलब 1.0 पाई प्लस 13 में 1 गया 12 गुणे 0.5 पाई, तो हो गया 13 बटे 2 1.0 पाई प्लस 12 पंचे 60 60 तो 6.0 पाई, ठीक है, 0.1 स्थान के बाद लग जाएगा, तो 12 पंचे 60 1.0 लग गया, तो ये हो गया। अब इसको करेंगे जोड़ लेंगे, तो हो गया 6 में 1 जुड़ा तो 7 पाई। अब मान रख लेते हैं 22 पाई का मान होता है, दिया है 22/7, तो ये हो गया 7 कट गया यहाँ से, 2 कट गया 11 बार में, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 4, 1। इस प्रकार कुल लंबाई आ गई 143 सेंटीमीटर। देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न नंबर 19 में है 200 लट्ठों, ठीक ना, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को बोलते हैं लट्ठा, तो 200 लट्ठे हैं को डेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं, आकृति में दिया हुआ है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो इसमें लिखा है कुल कितनी पंक्ति लगेगी और कुल सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे। देखिए इस प्रकार का दिया हुआ है, ये ऐसे ऐसे रखा हुआ है ऐसे, तो सबसे शुरू में है कुल कितने 20 दिए हुए हैं इस तरह, देखिए फोटो दिया हुआ है 20, फिर इसके ऊपर 19, फिर 18, फिर 17, इस प्रकार पंक्ति में रखा गया है। तो बोलता है इस प्रकार कुल कितनी पंक्ति लग गई और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कुल कितने लट्ठे रखे गए हैं, तो यही हमको ज्ञात करना है। तो लिखते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमको इससे, देखिए सबसे पहले यहाँ 20 लट्ठे पहली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे हुए हैं, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, इस प्रकार इस तरह के रखे गए हैं, ठीक ना। तो ये देखिए ये एक एपी प्राप्त हुआ है, ठीक ना, सबसे पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, फिर से पहले उसके बाद वाली पंक्ति में 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, इस प्रकार लट्ठे रखे गए हैं। तो बोला गया कि कुल कितने पंक्तियाँ लगेंगी 200 लट्ठों को लगाने में, तो इसमें देखते हैं प्रथम पद, तो देखिए प्रथम पद कितने हैं, a बराबर 20 और सार्वंतर a1 a2 a3 इस प्रकार का है, तो लिखेंगे d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 कितना 19 माइनस 20 तो हो गया माइनस a, ठीक ना। और कुल कितने लट्ठे हैं, तो इसमें लिखा है
200 दिए हुए हैं, ठीक ना, कुल 200 लट्ठों को ही रखा गया है। तो इसमें सूत्र रख लेते हैं, इसमें देखिए n बटे दो 2a प्लस n माइनस 1d बराबर 200, ठीक ना। तो n बटे दो 2a, a का 20 दिया हुआ है, 20 रख लेते हैं, 20 प्लस n, ये n का मान नहीं दिया हुआ है, n माइनस 1d कितना दिया है, माइनस 1, ये हो गया 200, ठीक ना। तो इसको हल कर लेते हैं, n बटे दो ये हो गया 40, और इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस n, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 1 बराबर 200, ठीक ना। ये 200 उधर भेज देंगे तो 400 जाएगा, यहाँ 400 पक्षांतर ही कर देते हैं इसको, गुणे 2, ठीक ना। माइनस 1 का गुणा n में करेंगे तो माइनस n, और माइनस 1 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो प्लस 1। अब इसको ये हो जाएगा n 40 से 41 माइनस n बराबर 400, इसका गुणा अंदर कर लेंगे तो जाएगा 41 n माइनस n n n स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। तो पहले इसको देखिए चिन्ह बदल लेंगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं माइनस n स्क्वायर प्लस 41 n माइनस 400 बराबर 0। ये माइनस हटाएंगे तो सभी पदों में माइनस मतलब चिन्ह बदल जाएगा, तो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 बराबर 0। माइनस का प्लस किया तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। इसका गुणनखंड करेंगे तो एन का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए 400 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं, ये हो गया 2 × 2 = 4, ये हो गया 2 × 1 = 2, ये हो गया 2 × 5 = 10, और ये हो गया 25 बार में, और ये हो गया 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। तो इनका गुणनखंड कैसे करेंगे कि घटाने पर या जोड़ने पर माइनस 41 आए, ठीक ना। तो ये हो गया 5 × 5 = 25 ले लेते हैं, फिर 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 25, तो देखते हैं इससे आएगा क्या। तो 6 × 5 = 11, 2 × 3 = 1 = 4, तो ये आ गया 41। तो यहाँ इसको लिख लेंगे, तो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। माइनस 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 अंक जुड़ेगा तो 41 आ जाएगा। अब देखिए इस शुरू के दो पद में केवल n ही उभयनिष्ठ है, तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा 16, और यहाँ 25 कॉमन ले लेंगे तो येगा n, और चूंकि देखिए बाहर माइनस ले लिया है तो प्लस का ये माइनस हो जाएगा, और 400 को लिख सकते हैं 25 × 16, तो इसका मतलब 25 अगर उभयनिष्ठ हो गया तो यहाँ पर 16 बचेगा बराबर 0। अब देखिए n माइनस 16 और n माइनस 25 बराबर 0, तो n का मान ज्ञात कर लेते हैं। यदि n माइनस 16 बराबर 0 या n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर 16 या n बराबर 25, ये दो मान आया, मतलब n का मान मतलब हुआ कि इसमें बोला कि पंक्तियों की संख्या या तो 16 होगी या तो 25 होगी, तो इसमें से कोई एक ही होगा। देखिए पहले हम n का मान 16 रख के देखते हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहले कितना है, देखिए a n बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक ना, nवां पद है, तो a का मान देखिए 16वां पद, मतलब हम 16वें पद में मतलब 16वें पंक्ति में बोला है कि कुल कितने लट्ठे भी होंगे, तो लट्ठों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं हम इसमें, ठीक ना। तो 16 पंक्ति, चले मान लिया कि 16 पंक्ति लगी है, तो 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे लगे हैं उसको देखना है। तो प्रथम पद कितना है, 20 प्लस 16 माइनस 1, और d का मान कितना आया है, ये रहा माइनस 1, तो ये माइनस 1, तो ये हो गया 20 प्लस 15 और 1 माइनस 1, तो ये हो गया 20 और 15 × 1 = 15, तो बराबर 5, मतलब जो 16वीं पंक्ति लगी है लट्ठों की उसमें 5 लट्ठे आ गए,
ठीक ना, तो प्लस में आया है। अब n का मान भी देख लेते हैं, 25 लगा के देखते हैं इसमें, तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक ना, तो ये जगह ए 25 लगा लेते हैं यहाँ पर, तो ए का मान कितना है 20 प्लस 20 माइनस एक, और डी का मान माइनस वन, तो ये हो जाएगा 20 गुणे एन का मान क्या रखा है 25 रखा गया है, एन का मान 25 है, तो 25 में एक गया 24 गुणे माइनस वन बराबर 24 एक कम 24, तो 20 में 24 किया तो बोलता है माइनस चार, मतलब जो 25वीं पंक्ति अगर होती तो उसमें बोल रहे हैं कि 25वीं पंक्ति में माइनस चार लट्ठे होते, जो संभव नहीं है, माइनस में लट्ठों की संख्या संभव नहीं है। लिखेंगे जो संभव नहीं है, ठीक ना, तो लिखेंगे अतः, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, लिखेंगे पंक्तियों की संख्या बराबर 16, और क्या दिया है सबसे ऊपरी पंक्ति में, तो लिखेंगे 16वीं पंक्ति लिख सकते हैं या सबसे ऊपरी पंक्ति, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 5, ठीक ना, जो सबसे ऊपर वाला पंक्ति है उसमें 5 लट्ठे हुए, तो कुल 200 लट्ठों को इस प्रकार रखा गया है। एक अंतिम प्रश्न है उसको देख लेते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। इसमें लिखा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहली आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, ठीक ना, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, इसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, इसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक ना, तो देखिए क्या दिया है उसको देख लेते हैं पहले। देखिए एक यहाँ बाल्टी रखी हुई है और यहाँ से एक सीधी रेखा पर 10 आलू रखे हुए हैं। देखिए पहली आलू जो है वो 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ये पहला आलू, फिर दूसरा आलू हर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये 3-3 मीटर की दूरी पर हो गया, ठीक ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कुल 10 आलू हैं, ये हो गया 9 और ये हो गया 10 आलू, 3-3 मीटर की दूरी पर हैं। देखिए इसमें कैसे प्रतियोगी को करना है, पहले अगर ये यहाँ से गया तो पहला आलू उठाया तो देखिए 5 मीटर चला, फिर इसको इसी को लेकर वापस आके बाल्टी में डालना है, ठीक ना, ये नहीं कि सभी को एक संग बटोर लें, तो एकक करके लेकर आना है, तो पहले आलू के लिए क्या करेगा, ये 5 मीटर चलेगा फिर वापस भी आएगा डालने के लिए, तो 5 और 5, 10, मतलब पहले आलू को डालने के लिए ये 10 मीटर की दूरी तय करेगा, फिर यहाँ से फिर जाएगा ये दूसरा, तो ये 5, 3, 8 हो गया, 8 मीटर की दूरी जाएगा, फिर उठाएगा, फिर वापस आएगा, तो कुल 8, 8, 16 मीटर की दूरी चलेगा, ठीक ना, इसी प्रकार यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा, सबको इस प्रकार 10 आलू को लेकर बाल्टी में डालना है, तो बोलता है कि कितना मीटर कुल दूरी, कितना कुल प्रतियोगी चलेगा, कितना ये दौड़ना पड़ेगा इसको। पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए चली गई दूरी
चली गई दूरी। तो देखिए क्या करेंगे, जितना जाएगा उतना वापस भी आएगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दो गुणे क्या करेंगे, पहले पाँच का गुणा कर लेंगे। देखिए ये गया फिर वापस आया, तो लिखेंगे दो गुणे पाँच बराबर दस मीटर, ठीक ना। फिर लिखेंगे दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो देखिए क्या करेगा, पहले यहाँ पाँच और तीन, ठीक ना, कुल जाएगा। देखिए पाँच और तीन गया तो पाँच तीन आठ, फिर डबल वापस भी आएगा उसको, इसलिए दो गुणा भी कर लिया। तो ये हो गया दो गुणे पाँच तीन आठ बराबर सोलह मीटर, ठीक ना। तो इसी प्रकार एक तीसरा भी देख लेते हैं, तीसरे आलू को उठाकर डालने में चली गई, कुल दूरी कितना हो जाएगा। तो देखिए दो गुणे, अब सबसे अब तीसरा आलू उठाने के लिए यहाँ तक जाएगा, तो पाँच प्लस तीन प्लस तीन, तो लिखेंगे पाँच प्लस तीन प्लस तीन, तो हो जाएगा दो गुणे पाँच तीन आठ तीन ग्यारह, तो बराबर बाईस मीटर हो गया, ठीक ना। तो देखिए हमको एक एपी प्राप्त हो रही है, एपी कितना हो गया, पहला कितना है दस, फिर सोलह, फिर बाईस, इस प्रकार कितने दस आलू हैं, तो लिखेंगे दस पदों तक, ठीक ना। योग ज्ञात करना है इसको, तो लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर दस, और सार्वंतर डी बराबर सोलह माइनस दस बराबर छः, और एन बराबर कितना है, ये दस दिया हुआ है, ठीक ना। तो एस एन का सूत्र फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एन बराबर एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो टेन तक ज्ञात करना है, तो दस, तो ये हो गया दस बटे दो, दो गुणे ए का मान कितना है दस, और ये ए का मान दस हो गया, और एन का मान भी दस ही है, दस आलू है, और सार्वंतर कितना है छः का, ये हो गया दो एक कम दो पंचे दस, दस दुनी बीस, प्लस दस में एक गया नौ गुणे छः, तो बीस प्लस छः नवा चौवन, तो इसको जोड़ लेंगे तो चार पाँच दो सात, तो गुणा करेंगे तो पाँच चौक बीस हासिल दो, सात पचे पैंतीस दो सैंतीस, बराबर ये मीटर में आ गया। तो कुल दस आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में कुल 370 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। इस प्रकार ये 20 प्रश्न समाप्त हो गए।